हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। SBI PO मेंस का रिजल्ट आपका परसों रात में आ गया था। कल हुआ क्या कि ऑफिस से छुट्टी मिली तो मैं पूरा दिन ट्रैवलिंग में था, ट्रेन में था, इस वजह से मैं आपको विश भी नहीं कर पाया। बट लेकिन मैंने पोस्ट लिखा था और अभी मैं कुछ आपको टिप्स भी मैं बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो डिसअपॉइंट मत हो, उनके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत हो। आगे अभी IBPS PO के एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, कैलेंडर IBPS का आ चुका है, तो आप अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपका RBI ग्रेड बी का भी आपका आएगा, असिस्टेंट का भी आएगा, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके इस साल लगे रहने हैं। अगर आप अभी से ही जो भी आपके साथ हुआ नहीं सेलेक्ट हुए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने जो गलतियाँ करी वो आपको पता होंगी, तो उन सारी गलतियों को आप अपनी इम्प्रूव करिए और आगे आप जो भी एग्जाम्स है उनमें प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो आप बेहतर कर सकेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सीधा इंटरव्यू के लिए, कि जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में आपको ज़्यादा, कई लोग ये समझते हैं कि यार इंटरव्यू बहुत टफ होता है, कैसे क्या निकालना, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू दो लोगों के लिए मैं बताऊँगा, पहला वो जो वर्किंग है, दूसरा जो वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्किंग है, तो जो वर्किंग है उनके लिए होता क्या है कि उनकी जो पहली चीज़ जो उनकी पर्सनल इन्फो जो होती है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड जो होता है वो किस स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप देते हो तो वो भी किया होता है, उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ जो आपकी हॉबीज होती हैं, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लोग लिख देते हैं कि हॉबीज़ में रीडिंग और क्या नाम वॉचिंग मूवी या लिसनिंग सॉन्ग, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आप हॉबी लिखते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने म्यूजिक का लिखा है तो म्यूजिक के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बुक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हो उसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो। अगर इसके अलावा वो अगर अदर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप नहीं बता पाते हो तो उसमें आपको कोई इशू नहीं, लेकिन अगर पर्सनल इन्फो के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं बता पाते हो जो आपने दिया होता है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको उस बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप वर्किंग हो तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो, मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि भाई मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस समय करेंट में, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी और ट्रेनिंग में भी आपको बता दी गई होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वर्किंग लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, और बहुत से अलग अलग पैनल में लोग बैठते हैं तो क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके के क्रॉस पूछे जाते हैं जिससे आप फंस जाओ क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आप नहीं भी दे पाते हो तो आप इजीली आप कह भी सकते हो कि सर मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा कुछ आपका नहीं आता, बेसिक आप SBI के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट में SBI के कुछ अपडेट्स होती हैं। ठीक है, जो कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो भी सारी चीज़ें एक बार SBI की वेबसाइट पर जाके एक बार अपडेट्स में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो उन लोग के लिए कहीं ना कहीं एक वर्किंग लोगों से थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है कि बाकी जो सब्जेक्ट जो वर्किंग सेक्टर में जो वहां पे पूछे जाते हैं सवाल वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको आएगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, साथ ही साथ जो आपने मैंने अभी हॉबी बारे में बताया वो एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अदर्स में SBI का जो मैंने अपडेट्स के बारे में बताया वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो भी करंट में या इंटरनेशनल नेशनल में जो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप कहीं ना कहीं तैयार प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे, बुक से आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस की आती है SBI के, ठीक है, वो एक बार ले लीजिए, उसमें पूरा दिया रहता है। कई ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो अपना रिव्यू शेयर करते हैं, ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है, बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्जाम कभी भी आप इंटरव्यू में जाए आप पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि पैनल में कहीं ना कहीं एक आदमी ऐसा बैठा होता है जो आपकी चीज़ें जो आपका जो दिमाग आपका
जो फेस आप जिस हिसाब से वो होते हैं वो पूरा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो मेन वो ये देखते हैं कि क्या वाकई में आप प्रेशर हैंडल कर पाते हो या नहीं, क्योंकि एसबीआई में अगर हम बात करें पीओ या किसी भी में भी, तो एसबीआई में तो हालांकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे वो ये देखते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को, आपके ऊपर कल को अगर प्रेशर पड़ेगा बैंक में तो क्या वो हैंडल आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ यही रहता है, ठीक, कि आप किस तरीके से किन चीज़ों को हैंडल करते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नहीं आप सवाल दे पाते, जवाब दे पाते हो या नहीं, मेन होता है आपके जो आपका सामने किस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, ये सारी चीज़। ठीक है, तो आप बिना प्रेशर के आप अच्छे से तैयारी करो। बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ अगर नीड है आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप एक बार ज्वाइन करके भी वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। जो भी मेरे से हो सकेगा वो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है, बुक्स अगर नहीं मिल रही आपको, तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ से आपको बुक वो परचेज करनी है। तो ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही आप लगे रहिए। बाकी जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तो बस, और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत आपको बधाई जितने भी लोग मेंस पास हुए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, जितने भी स्टूडेंट जो पास नहीं हुए, जो पास हुए हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत सी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि एसबीआई के बाद कई ऐसे लोग जो होते हैं जो आरबीआई की तैयारी करते हैं, मैंने आपको पूरा 3 मंथ्स का स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में, आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी के बारे में भी दिया हुआ है। आप एक बार जाके उसको देखिए, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी। क्योंकि आरबीआई की जो जॉब है वो कहीं ना कहीं एसबीआई से बेटर है, बट हाँ एसबीआई भी अपने एक मामले में अच्छी है। ठीक है, तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ।